स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। बता दें कि 4 फरवरी को कॉमेडियन मुनव्वर ने अपनी जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। हाईकोर्ट और इंदौर जिला कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। बता दें कि 1 जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के एक कैफे में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में मौजूद हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य से गौड़ और अन्य कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद पिछले 1 महीने से कॉमेडियन मुनव्वर केंद्रीय जेल में बंद है। जमानत के लिए उन्होंने इंदौर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन दोनों ही कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद अब मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। जानकारी के अनुसार मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की थी। उन्होंने कई तरह के तर्क भी रखे थे, लेकिन अलग अलग तरह के तर्कों को सुनने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में मुनव्वर फारूकी के अधिवक्ता विवेक तन्खा अंशुमन श्रीवास्तव ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी इंदौर में नहीं की है और कार्यक्रम से पहले ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पर शासन की ओर से अधिवक्ता अमित लोहिया ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि मुनव्वर को अभी बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। इस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।